NEET 2024 में हम सबने बहुत कुछ देखा है पेपर लीक री नीट फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और इतने बड़े स्कैम के बाद में हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि नीट 2025 में क्या होने वाला है किस तरीके से पेपर ऑर्गेनाइज होने वाला है कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है क्या ये पेपर जो है इसका डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है क्या सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस आने वाले हैं और भी बहुत कुछ तो इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर के मैं आज का ये सेशन लेकर के आई हूँ आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हेलो एवरीवन वेलकम टू द उत्कर्ष फैमिली मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाडमेरा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर और आज इस वीडियो के अंदर हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं ये आशा करती हूं कि यह वीडियो पूरा देखने तक आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आप लोगों के पास में होगा आप लोग नीट 2025 के, के लिए मेंटली रेडी रहेंगे कि नहीं हमें इन सब चीजों को लेकर के ही एग्जाम देने के लिए चलना है सो लेट्स गेट स्टार्टेड और एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आप लोगों को नीट 2025 में अपेयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने पड़ेंगे उन्हें एनालाइज करने पड़ेंगे तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें एज लिमिट की यानी एज बहुत बड़ी चीज़ है ना कम हो तब भी दिक्कत है ज्यादा हो तब भी दिक्कत है तो हम लोग दोनों की बात कर लेते हैं ज्यादा की भी और कम की मीन्स अपर एज लिमिट एंड लोअर एज लिमिट तो अगर एज लिमिट के अंदर अगर हम लोग अपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं अपर एज लिमिट तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है नो no लिमिट अगर कोई स्टूडेंट 20 साल का है तब भी वो एग्जाम दे सकता है अगर कोई स्टूडेंट 40 साल का है तब भी एग्जाम दे सकता है 60 साल वाला भी एग्जाम जो है वो दे सकता है तो आप लोगों के पास में कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं रहती है अगर हम लोग लोअर एज लिमिट की बात करते हैं अगर हम लोग लोअर एज लिमिट की बात करते हैं तो वो है सेवनटीन ईयर्स अगर आप लोग थर्टी फर्स्ट दिसम्बर दो तक 17 साल के हो रहे हैं तभी आप लोग नीट 2025 देने के लिए एलिजिबल हैं नहीं तो नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एम में एडमिशन ले चुके होंगे आप लोग एम की डिग्री करने के लिए रेडी होंगे तब तक यानी कि थर्टी फर्स्ट दिसम्बर तक आप लोगों की एज जो है वो सेवनटीन ईयर्स हो जानी चाहिए अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो आता है अटेम्प्ट लिमिट मुझसे कई स्टूडेंट आकर के पूछते हैं कि ये पेपर हम लोग दे कितनी बार सकते हैं तो मैं तो आप सबको यही बोलती हूँ और आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी कि यह पेपर कोशिश करना सिर्फ एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए क्योंकि अगर हम लोग एक अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें जो है वो टाइम के साथ में मुश्किल होती जाएगी एक अटेम्प्ट बहुत होता है अगर आप लोग कंसिस्टेंटली दो साल तक पढ़ाई कर रहे हैं या आपने अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किया है आपने अच्छे से नीट की प्रिपरेशन ली है तो मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि अटेम्प्ट लेवल जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है आप कितनी बार भी पेपर जो है वो दे सकते हैं मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं बट एक अटेम्प्ट में ही प्लीज कोशिश करना कि आप इसे क्लियर कर सके मैं इसलिए चीज कह रही हूँ कि टाइम जो तो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है अगर आप एक अटेम्प्ट में ही अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नीट का पेपर क्लियर कर लेते हैं यानी कि इसी साल की अगर मैं बात करूं नीट 2025 में अगर आप ना क्लियर कर रहे हैं तो आप लोग चले जाएंगे एम की डिग्री लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में एम जो है सिर्फ एम बी वर्ड वो वैल्यू नहीं रखता है आप खुद देखिए कि कभी भी जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो ऐसे डॉक्टर के पास में जाते हैं और उसकी डिग्री देखते हैं कि इसने क्या कर रखा है एम या एम बी बी एस प्लस एम डी हम लोग उसी के पास में जाएंगे जिसने एम डी भी कर रखा है यानी कि स्पेशलाइजेशन भी कर रखा है अगर हमारा पेट दुख रहा है तो हम लोग किसके पास में जाएंगे पेट के डॉक्टर के पास में जाएंगे ना अगर हम लोग कान आ, कान में अगर हमारे कुछ खराबी हो गई है नहीं हुई है तो हम लोगों के अगर हमारे कान में कुछ खराबी हो जाती है तो हम लोग किसके पास में जाएंगे ईयर स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे तो सिर्फ एम बी बी एस मायने नहीं रखता है एम डी बी मायने रखता है यानी कि एम बी बी एस के बाद में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा प्री पी जी के लिए तो अगर यहां पर आप अपने साल को सेव करके चल रहे हैं यहाँ पर अपने एक ईयर को आप बचाते हुए चल रहे हैं तो यहां तक पहुंचने में आपको कम समय लगेगा और आप इजीली सक्सेस गेन करते जाएंगे तो अगर अटेम्प्ट लिमिट की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है आप कितनी बार भी पेपर दे सकते हैं बट मेरे स्टूडेंट्स जो उत्कर्ष के साथ में कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं जो लगातार उत्कर्ष की क्लास अटेंड कर रहे हैं एक दिन भी आ, मिस नहीं करके हमेशा कंसिस्टेंटली उस वीडियोस को देख करके तो मुझे पता है मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसी साल नीट 2025 को क्रैक करेंगे जल्दी से कमेंट में बताइए कि कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और उत्कर्ष के नीट कोर्सेज में एनरोल्ड हैं चलिए अगला बात करते हैं कि 12th में कितने नंबर होने चाहिए ये तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात आ जाती है ना क्योंकि 12th के परसेंटेज जो होते हैं ट्वेल्थ बोर्ड जो होता है वो हम लोग काफी बार लाइटली ले, ले लेते हैं हम लोग नीट की तैयारी में लग जाते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दू कि ट्वेल्थ के अंदर जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि ट्वेल्थ के अंदर कितने परसेंटेज होने चाहिए जनरल कैटेगरी में है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि जनरल कैटेगरी के लिए साथ ही साथ अगर आप लोग रिजर्व uh, कैटेगरी में है तो आप लोगों को कितने परसेंटेज चाहिए बिल्कुल सही अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं तो 50 परसेंट जो है वो ट्वेल्थ में आपको स्कोर करना जरूरी है और अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं अगर आपकी कैटेगरी जो है वो रिजर्व है तो आप लोगों के लिए 40 परसेंट स्कोर करना कंपलसरी हो जाता है तो यहाँ तक तो हमने बात की एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं कि सिलेबस जो है वो कितना होना चाहिए कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें सिलेबस को कवर करना है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लास्ट ईयर ही दो में 25 परसेंट सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है तो हमारे पास में बच जाता है 75 परसेंट सिलेबस बट इस बार लास्ट ईयर जो नीट वाला पेपर हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को पुरानी एन के अकॉर्डिंग एन वालों ने सही मान लिया बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने डिसीजन के बाद में उस क्वेश्चन को गलत मान लिया और बोनस स्कोर जो था स्कोर जो मिला था उन बच्चों को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रिड्यूस हो गया तो अब सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है ये सारा स्कैम देख करके कि हमें पढ़ना क्या चाहिए या हमें सिलेबस जो है वो किस तरीके से कवर करना चाहिए तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि सिलेबस जो है वो प्रॉपर आप लोग साइड से उसको एनालाइज कीजिए उस सिलेबस को अच्छे तरीके से देखिए हमारे पास में दो चीज़ें आ जाती हैं एक आ जाता है ओल्ड एन और फिर हमारे पास में आ जाता है न्यू एनसीईआरटी क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स जो है वो ऐसे है सॉरी काफी सारे टॉपिक्स जो है वो ऐसे हैं जो नीट के अंदर तो है जो नीट के अंदर है फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जूलॉजी के अंदर एक टॉपिक है एनिमल टिश्यूज जुलजी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है एनिमल टिश्यूज जो ट्वेल्थ में नहीं है जो एन में नहीं है एनसीआरटी में से उसको डिलीट कर दिया गया है बट ये वाला जो टॉपिक है वो किसके अंदर आ रहा है आपके नीट के अंदर आ रहा है तो इसको कवर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हम लोग उस समय किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि इस सर्कमस्टांसेस uh, में या इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले तो आप लोगों को न्यू एनसीआर ही परचेज करनी है न्यू सिलेबस को आपको कवर करना है आप लोगों के पास में दो सिलेबस होंगे न्यू सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस तो वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं हैं जो न्यू सिलेबस में आप लोगों के है. अगर कोई टॉपिक ऐसा बच जाता है जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो एनसीईआरटी में भी है तो उसे आप लोग बाद में कवर करेंगे सबसे पहले न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करनी है और उसके बाद में उन बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर हमें ध्यान देना है अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी तक तो लास्ट ईयर नीट दो तक तो पेपर जो हो रहा था वो ऑफलाइन मोड में हो रहा था ऑनलाइन मोड में नहीं हो रहा था हमें नहीं पता है कि आगे जाकर के कौन सी एजेंसी या कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो पेपर को ऑर्गेनाइज करवाने वाला है एनटीए करवाने वाला है या सी करवाने वाला है अभी तक हमारे पास में इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बट कोई भी पेपर ऑर्गेनाइज करवाए आई थिंक सो कि पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा बट अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया जा रहा है कि पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में जैसा जेई के अंदर होता है ऑनलाइन मोड में भी आप लोग कंडक्ट करवा सकते हैं तो अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है दे आर ओनली थिंकिंग कि पेपर जो है वो क्या हम लोग ऑनलाइन मोड में भी करवा सकते हैं अगर ऑनलाइन मोड में पेपर होता है इफ पेपर इज हैपनिंग ऑन द ऑनलाइन मोड तो इसमें क्या होगा इसमें जेई के अकॉर्डिंग जैसे जेई के पेपर में होता है दो लेवल पे पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा पहले तो होगा प्री एग्जाम और फिर बाद में होगा मेंस जो प्री एग्जाम होगा उसके अंदर लगभग जो 25 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल 25 लाख के आसपास वो अपेयर करेंगे ये वाला जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा और इन 25 लाख बच्चों में से सॉरी ये वाला जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और इन 25 लाख में से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो एपियर करेंगे मेंस के लिए और हो सकता है कि जो मेंस एग्जाम है वो एम्स या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट जो है फॉर सी बी एस ई ये कंडक्ट करवाए तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बट क्योंकि अभी तक सिर्फ विचार चल रहा है अभी तक ये डिसीजन नहीं आया है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना यहाँ पर लगभग 25 लाख बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है एक बहुत टफ वर्क है क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर सेंटर्स अरेंज करना पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है कि पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में ही हो जैसा अभी तक होते हुए आया है बट कोई भी सिचुएशन आए हमें उसके लिए रेडी रहना है तो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो सकता है पेपर कौन ऑर्गेनाइज करवाने वाला है इसके बारे में अभी तक हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर uh, या नवंबर तक हमारे पास में आ जाएगी कि कौन ऑर्गेनाइज करवाने वाला है कैसा सिलेबस जो है वो रहने वाला है तब तक हमें जो पुराना वाला है सिलेबस यानी कि दो जो नीट 2024 में हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे उसी को ही फॉलो करते हुए हमें हमारी तैयारी को कंटिन्यू रखना है अगर आप लोगों सब के सबके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी को पढ़ें या नई वाली एनसीईआरटी को पढ़ें अब हम लोग कौन सी एनसीईआरटी पर ज्यादा जा, फोकस करें तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी या मेरा जो पर्सनल सजेशन है आप लोगों को लेकर के तो वो यही है कि आप लोग अभी के लिए न्यू एनसीईआरटी सी परचेज करें न्यू एनसीईआरटी के सारे के सारे, सारे सिलेबस के टॉपिक्स जो हैं न्यू एनसीईआरटी में जो सारे टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप लोग अच्छे से कवर कीजिए अगर फिर भी आप लोगों के पास में टाइम बच रहा है तो आप लोग ओल्ड एनसीआरटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं बट यहां पर अगर मैं बात करूँ कि कुछ भी एनसीआरटी से बाहर जो है वो नहीं आने वाला है कभी भी नहीं आने वाला है आपको सिर्फ एनसीआरटी पर ही फोकस चलते करते हुए चलना है अगर आप लोग प्रॉपरली एनसीआरटी की लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ लोगे स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ मतलब मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ कि जिनके बहुत अच्छे स्कोर हो रहे हैं बायोलॉजी के अंदर अगर आप लोग आप लोग उनकी एनसीईआरटी उठा करके देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई रफ नोटबुक आप लोग देख रहे हैं मतलब वो इतना डीपली उन लाइंस को कवर कर लेते हैं वर्ड टू वर्ड उसे समझते हुए चलते हैं तो एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और पूरा के पूरा फोकस जो है वो आप लोगों को एनसीईआरटी पर ही रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बायोलॉजी में परफेक्ट स्कोर दिलवा सकती है तो टी अच्छे से पढ़िए उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिए क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है अगर आएगा भी तो दो तीन टॉपिक्स जो है वो मिक्सअप होकर के आता है बट इतना तो हम लोग समझ ही लेंगे इतना तो हम लोग कवर कर ही लेंगे तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो बात की कि नीट का पैटर्न जो है नीट का पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है सिलेबस क्या रहने वाला है क्या कोई चेंजेस होने वाले हैं या नहीं चेंजेस होने वाले हैं तो अभी तक तो जो चल रहा था वैसा के वैसा ही चलने वाला है अगर कोई भी चेंजेस आते हैं हमारे पास में तो मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक हमें पता चल जाएंगे बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मेजर चेंज जो है वो होने वाला है तो ऐसे ही अपने नीट की तैयारी जो है वो जोश के साथ में करते हुए रहिए उत्कर्ष फैमिली के साथ में बने हुए रहिए और अभी तो उत्कर्ष ऐप में चल रहा है शिक्षा महोत्सव जिसमें आप लोगों को नीट के कोर्सेज में धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं तो बस इतना ही तो चाहिए हमें नीट की तैयारी के लिए तो फटाफट से उत्कर्ष आपको डाउनलोड कीजिए और आज ही कोर्सेज के अंदर एनरोल हो जाइए थैंक यू सो मच